अबे उस सक्षम को बोल वो जंगल वाला प्लॉट ना मेरे को बेच दे, नहीं तो ये सोना बाबू है ना, उस छोकरे को और उसके सपने को ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां से ना वो आ पाएगा ना उसका सपना। हाँ चल फोन रख, मेरा रिलैक्स का टाइम हो रहा है। हेलो, क्या सोना बाबू को धमकी दे रहा है? वो मेरे को धमकी दे रहा है? क्या बोला? अच्छा मैं अपनी जान की परवाह करूं? पागल हो गया है, पागल हो गया है छोकरा, इसको तो मैं कल देख लूंगा। साला इसी के प्लॉट में इसको गाड़ ना दिया ना तो मेरा नाम सोना बाबू नहीं, समझा? रख फोन। अरे कीर्ति घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा, मैं हूं ना। नहीं सक्षम, मुझे डर लग रहा है बहुत। सांपों के बारे में लोगों को बहुत गलत धारणा है, ये बहुत ही शांत प्राणी है, बिना वजह किसी को कुछ नहीं करता। लो, अरे लो कीर्ति घबराओ मत, कुछ नहीं करेगा। शाबाश। ये तो छोड़ ही नहीं रहा है। Stop laughing or do something, Arun. Yeah, sure. Photos लेता हूँ। What's wrong with you? अरे अरे अरे, तुम relax करो। कुछ नहीं करेगा। विप्लव, शरारत नहीं। चलो, चलो आ जाओ अपने घर में। शाबाश। ये आपकी बात समझ सकते हैं? देखा, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त सांपों से बात कर सकता है। आप कुछ समझ में आया मिस जर्नलिस्ट? ये प्यार की भाषा है, चाहे इंसान हो या जानवर, सभी समझते हैं इसे। लेकिन सांप को ट्रेन करना, ये तुम ना मैंने कभी सुना है ना देखा है। क्या बताऊं मैं तुम्हें, 5 साल का था तब से मेरा सांपों के साथ में एक अनोखा रिश्ता है। ये क्या रिश्ता है, कैसा रिश्ता है, ये मैं भी नहीं समझ पाया आज तक। बस मैं इतना जानता हूं कि ये मुझे समझते हैं और मैं इन्हें समझता हूं, इसीलिए मैंने अपना सारा जीवन इनकी सुरक्षा में लगा दिया। बस कितने सांप हैं आपके पास? चलो चल के देख लेते हैं। आओ चलो। मिलो मेरे दोस्तों से। ओह माय गॉड, इतने सारे सांप हैं आपके पास? और अब मेरे सारे दोस्तों को ना एक नया घर मिलने वाला है। हमारे लोकल MLA है ना श्री रुमटा जी, उनकी बदौलत हमें एक जमीन अलॉट हुई है। वहां मैं बहुत बड़ी स्नेक सेंचुरी बनाऊंगा, वहीं जाएंगे ये सब लोग। क्यों कीर्ति, मिला स्कूप तुम्हें तुम्हारी स्टोरी के लिए? वैसे सक्षम, क्यों ना एक फोटो हो जाए, हम आप और ये सांप। ओके
फिर आइए। ये बड़ा शरारती है, इसकी फोटो खींचो। सक्षम वर्मा जी, कहिए, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? आपके एरिया के बिल्डर सोना सिंह रंधावा, जानते हैं उनको? जी बहुत अच्छे से। वो चाहते हैं कि मैं अपनी स्नेक सेंचुरी वाली जमीन उन्हें दे दूँ, और जब मैंने मना किया तो वो मुझे पिछले कई समय से धमकी दे रहे हैं। क्या हुआ? वो लापता है। और हमेशा कहे कि उनके लापता होने में आपका हाथ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, चलिए। विशेष शांत, बिल्कुल शांत, सब लोग शांत, चिंता की कोई बात नहीं है, मैं जल्द वापस आऊंगा। चलिए इंस्पेक्टर साहब। सांपों से बोलने से बड़ा स्कूप तो मुझे ये लग रहा है। फ्रंट पेज, लेट्स गो। ये बात मेरे लिए हजम करना थोड़ा कठिन है, लेकिन आप प्लीज समझाइए मुझे। बिल्डर सोना सिंह ने आपके मित्र सक्षम को धमकाया। पुलिस का ये कहना है कि सक्षम ने अपना पालतू अजगर छोड़ दिया उनके पीछे, सोना सिंह के पीछे, और वो अजगर सोना सिंह को निगल गया और सोना सिंह की मृत्यु हो गई। रियली? जी सर। वैसे क्या विषय था विवाद का? सर, सक्षम को लोकल एमएलए से फॉरेस्ट का एक हिस्सा मिला था, जहां पर वो अपनी सांपों की सेंचुरी बनाना चाहता था। उसी जमीन पर बिल्डर सोना सिंह की भी नजर थी, जहां पर वो एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा था। वो कई दिनों से सक्षम के पीछे पड़ा था कि वो जमीन उसे दे दे। पैसा, धमकी, सब ट्राई किया, बट नथिंग वर्क्ड आउट। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोई भी बिल्डर जंगल में हाउसिंग कॉम्प्लेक्स क्यों बनाना चाहता? सांप ना हुआ, कोई ट्रेंड हिटमैन हो गया सर। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? अरे पॉसिबल है, अगर जानवर को ना बचपन से ट्रेन करो तो वो सब सीख जाता है। मेरा कुत्ता है ना, वो नीचू से लूट की थैली भी लाता है। अच्छा, मिसेस बिलिमोरी, यही काम आप सांप से करवाए ना तो माने। क्या जानती है आप सांप के बारे में? हाँ प्लीज आप शांत हो जाइए, इनके कहने का गलत अर्थ मत निकालिए। ये बताइए कि ये घटना घटी कहाँ? सोना सिंह के घर पे? सांप घर के अंदर है और यहाँ कालीन पर हमें उसकी काचली मिली, और यह है वो दरवाजा। मेल चेक करके क्या होगा, सांप की ट्रेल तो उधर है बाथरूम में। सांप यहाँ अंदर आया बाथरूम में और नहाते हुए सोना सिंह पर उसने हमला किया, उसे निगल लिया, फिर यहाँ से सीधा गार्डन में गया जहाँ पे हमें सोना सिंह की जकड़ी हुई लाश मिली। क्या बोल रहे हो तुम राठौर? तुम ये बोल रहे हो कि उस अजगर ने 90-100 किलो के आदमी को खाया और फिर यहाँ से वहाँ जाकर बाग में उसे उगल दिया? राठौर जरा जाँच कर लो इस बात की, पढ़ लो, इंटरनेट पे रिसर्च कर लो। जब अजगर किसी को खाता है तो उसे पचाने के लिए उसको घंटों लगते हैं, घंटों वहीं बैठा रहता है। ये तो संभव ही नहीं कि उसे उठाकर बाग में ले गया होगा तुरंत। अनलेस किसी ने सांप को मर्डर के बाद बाहर मैदान में छोड़ा। सक्षम,
और कौन? सांप उसी का तो है। सांप को पकड़ा तुमने? हाँ, हिरासत में है। ये है किलर पाइथन, लग नहीं रहा बड़ी शांति से बैठा। इसका नाम माणिक है। केडी साहब, जब से मैं पकड़ा गया हूं तब से इसने कुछ खाया नहीं। माणिक, क्या हुआ बेटा? अरे खाएगा नहीं तो कैसे चलेगा? तुझे मेरी फिक्र है ना? मेरी फिक्र छोड़ दे, मुझे ये लोग कुछ नहीं करेंगे। और अब तो केडी साहब भी आ गए ना, वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे, तू बस खा ले। दूध पिलाया करो इसे। राठौर, ये केवल भ्रम है कि सांप दूध पीते। न सांप दूध हजम कर सकते हैं, न ही दूध उन्हें पसंद है। क्या बात है केडी साहब, आपको तो सांपों के बारे में बहुत कुछ पता है। जी सक्षम जी, और उससे अधिक इंसानों के बारे में जानता हूं। तो बताइए, क्या आपको लगता है कि मैंने माणिक को भेजा है सोना सिंह के पास उसे खत्म करने के लिए? नहीं नहीं। What do you mean by नहीं, मिस्टर पाठक? By नहीं, I mean प्रजापति साहब कि सक्षम ने सोना सिंह की हत्या नहीं की। ये तो वही बात हो गई मिलॉर्ड, कि मेरी गन से खून हुआ और आपने मुझे बरी कर दिया। ये गन किसी का भी हो, उसे कोई और चला सकता है चुरा कर, जैसा कि सक्षम की गन को, सांप को चुरा कर चलाया गया। और लेकिन गन चलाने के मतलब सांप चलाने के लिए प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना। ये क्या चल रहा है, गन सांप, गन सांप? अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मिलॉर्ड। समझाइए। बात दरअसल ये मिलॉर्ड कि जो सांप है वो इनका है, और सांप जैसा कि हम जानते हैं, ये जो ये केज में जो ये अजगर है ये वाइल्ड है, और इसको काबू पाना बहुत मुश्किल है। जैसा हम सब जानते हैं कि सांपों को ट्रेन करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन इनके बस की बात है। इनका ये हुनर है कि सांपों से उनकी भाषा में बात कर सकते हैं। अब कोई और इनके सांप को चुरा कर वो सब करवाए, इम्पॉसिबल है मिलॉर्ड। इट्स ऑब्वियस, दैट्स इट। यही सबूत है आपका सक्षम के खिलाफ कि सांप उसका तो खूनी वो? नो नो सर, ऑब्वियसली इसके पीछे एक मोटिव भी है, लेकिन फिलहाल उस पर नहीं। मैं सोना सिंह के घर में सक्षम की मौजूदगी पर ध्यान दिलाना चाहूंगा, और उसके चश्मदीद गवाह है रियल एस्टेट एजेंट मिस्टर परिमल। सर मेरा नाम परिमल है, मैं स्टेट एजेंट का धंधा करता हूँ। सरकार ने जो जमीन सक्षम को दी थी उसकी डील मैं ही कर रहा था, और उसी सिलसिले में उस रात मैं सोना सिंह जी से मिलने भी गया था, सक्षम का इरादा बताने कि वो जमीन बेचना नहीं चाहता। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे सर कि मैंने घर के बाहर देखा कि सक्षम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है। जा बेटा माणिक जा, दिखा दे अपना कमाल, सोना सिंह को अच्छा सबक सिखाना, जा। बात थोड़ी विचित्र लगी मुझे परिमल जी, कि आपने इतना सब कुछ होते हुए देखा लेकिन आपने सक्षम को रोका नहीं। सर वहां तो सांप को देखकर मेरी हालत खराब हो गई थी सर। वो क्या है कि 6 साल पहले मेरे पिताजी की मौत सांप के डसने से हुई थी, इसलिए जब भी मैं सांप को देखता हूँ तो मेरी हालत बहुत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, इसलिए मैं वहां कुछ कर नहीं पाया। अगर मैं वहां कुछ करने की कोशिश करता या उन्हें बचाने की कोशिश करता तो अजगर का पहला निवाला मैं बनता सर। सुन लिया आपने पाठक साहब, अभी भी आपको डाउट है कि सक्षम का इस खून से कोई लेना देना नहीं है? आई विटनेस। डाउट नहीं, पूरा विश्वास है कि सक्षम का कोई लेना देना नहीं। आपने परिमल जी अपने कथन में कहा कि रात के 10 बजे आपने सक्षम को वहां देखा, किंतु योर ऑनर रात के 10 बजे सक्षम कहीं और था। सक्षम कृपया अदालत को बताइए कि आप कहां थे। मैं विशाखा के घर में ही था, उसके घर में एक सांप घुस गया था, उसी को पकड़ने वहां गया था। जी सर, उस रात को सक्षम मेरे घर पे था।
हो गया। योर ऑनर, विशाखा जी कह रही हैं कि सक्षम उनके घर पे था, परिमल जी कह रहे हैं कि सक्षम घटनास्थल पर था। स्पष्ट है कि दोनों में से किसी एक का कथन झूठा है, क्योंकि परिमल का एक ही समय दो अलग अलग स्थान पर होना संभव नहीं। ऑब्वियस है मिलॉर्ड कि लड़की झूठ बोल रही है। ये सक्षम की गहरी दोस्त है और उसे बचाने के लिए कोई भी झूठा नाटक रच सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है प्रोसिक्यूटर साहब कि परिमल जी अपने दुश्मन को फंसाने के लिए उसके विरुद्ध झूठ बोल रहे हैं। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो मैं परिमल जी को एक बार फिर कटघरे में बुलाना चाहूंगा। अनुमति है? दुश्मन? अरे नहीं सर, सर इस लड़के ने जानवरों के लिए जो कुछ भी किया है उसे देखकर मेरे दिल में इसके लिए बहुत आदर और सम्मान है, इसलिए मैंने इसका ब्रोकर बनना भी स्वीकार किया था। हम उस पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं, हमारे बीच में कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन सक्षम का तो ये कहना है कि वो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता था। ये जो लैंड की डील आपने करवाई थी उसमें आपने बहुत सारे पैसे खाए, दोनों तरफ के लोगों को भिड़ा कर मनमुटाव पैदा करके, और ये बात एमएलए साहब तक भी पहुंची। मुझे पता था, पता था मुझे। इसने एमएलए साहब से मेरी शिकायत की है। अरे धोखेबाज तो ये निकला। एक तो इसकी जमीन की डील की मैंने और उसकी पूरी कमीशन भी इसने मुझे नहीं दी। इसे तो इतनी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़े। क्या बात है, क्या बात। मैं देख रहा हूं आपके मन में सक्षम के लिए कितना आदर और सम्मान है। वाह, ये मेरे बारे में कुछ भी कहे तो ठीक है, मैं बोलूं तो गलत? नहीं, सक्षम ने आपके बारे में कुछ नहीं कहा। आपका ये मनोभाव बाहर निकालने के लिए मैंने ये छोटी सी कहानी रची। अब प्रोसिक्यूटर साहब, ये तो वास्तव में सक्षम का दुश्मन निकला, अब इसके कथन पर कैसे विश्वास किया जाए? ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है जो इस केस में आप नजरअंदाज। केडी पाठक, बहुत दलीलें दी है ना तूने, हाँ, लेकिन आज तेरा ये आखिरी केस है। Who's this man? रोको उसे। आज तू मेरे निशाने पर है केडी पाठक, नहीं बचेगा तू। भाई बहुत ही उचित जगह चुनी है तुमने मुझे मारने की। गोली तो चला दोगे, मैं मर भी जाऊंगा, लेकिन तुम कैसे बचोगे, यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? तुम्हारी वजह से मेरे भाई को सजा हुई थी ना, नहीं छोड़ूंगा आज तुझे, नहीं छोड़ूंगा मैं। माणिक, माणिक हमला। शाबाश माणिक, छोड़ना मत उसे, जकड़े रहना। शांत माणिक, शांत, छोड़ दो उसे, जाने दो, जाओ अपने घर वापस। ये आदमी इस अदालत में गन कैसे लाया? मेरी वजह से मिलॉर्ड, ये दिनकर सिंह है, एक थिएटर एक्टर, ये मेरे कहने पर यहां आया था मिलॉर्ड, और ये नकली गन लेकर आया था पाठक साहब पर जानलेवा हमला करने के लिए। सॉरी मिस्टर पाठक। इस नाटक की वजह? वजह बड़ी ऑब्वियस है मिलॉर्ड, मैं ये साबित करना चाहता था कि ये सक्षम जो दिखने में इतना भोला भाला है, ये इतना भोला नहीं है मिलॉर्ड। आपने नोटिस किया कि इसके एक इशारे पर ये अजगर दिनकर पर टूट पड़ा, और अगर ये सक्षम उसे बचाने की कोशिश नहीं करता तो ये तो दिनकर की जान ले लेता मिलॉर्ड। ऑर्डर, ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। अगली बार आपने कुछ ऐसी हरकत की तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आई एम सॉरी मिलॉर्ड, लेकिन आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि सक्षम के इशारे पर अगर ये सांप किसी अनजान आदमी पर इस तरह टूट सकता है, उसकी जान तक लेने पर उतारू हो सकता है, तो सक्षम के दुश्मन सोना सिंह का वो क्या हश्र करता होगा, और क्या होगा
बहुत ऑब्वियस है। हेलो सर, आप मेरे प्रमोशन की तैयारी करिए। सर एक ऐसा स्कूप मिला जो लोग सालों तक नहीं भूलेंगे। यस सर, सर इनसाइड स्टोरी में पता कर लूंगी। ऑलराइट सर। कीर्ति, सक्षम मेरा दोस्त। आई एम सॉरी आर्यन, बट प्रोफेशन के आगे दोस्ती मैटर नहीं करती। वो प्रजापति पता नहीं क्या समझता है अपने आप को। मैं तो आपको बचाना चाहता था, लेकिन उसने मेरे साथ ऐसी घिनौनी चाल चली। अगर मैं चाहूं ना तो एक झटके में अपने सांपों को उसके पीछे छोड़ सकता हूं, और मेरे सांप एक सेकंड नहीं लगाएंगे उसकी जान लेने में। एक सेकंड नहीं लगाएंगे। सक्षम, सक्षम शांत हो जा। तुम्हें इतना उग्र कभी देखा नहीं मैंने। जो भी हो, ये बताओ कि ये होता कैसे है? क्या तुम्हारे कहे पर कोई भी सांप? नहीं केड़ी साहब, कोई भी सांप नहीं। केवल वही सांप जिन्हें मैंने कभी पाला है या कभी बचाया है, केवल वही मेरी बात सुनेंगे। जानवर बड़े निराले होते हैं, वो अपने पे किए एहसान को कभी नहीं भूलते, और एहसान चुकाना तो कोई उनसे सीखे। ये तो बात तुमने सही कही। अरे हमने आपसे कहा ना, हमें कोई इंटरव्यू नहीं देना, आप लोग जाइए, चलिए जाइए। लेकिन आपकी गवाही की वजह से सक्षम को सजा मिल सकती है। तो क्या करें बताइए, गवाही बदल दें अपनी? अरे हम आपसे कह रहे हैं, हमने जो देखा वही सच है। उस सक्षम ने ही अपने अजगर के द्वारा सोना सिंह को मरवाया है। और आप देखिएगा, अगली अदालत में ऐसे ऐसे सबूत पेश करेंगे हम सक्षम के खिलाफ कि बच नहीं पाएगा। और अगर इसका बदला उसके सांपों ने आपसे लिया तो? देख लेंगे, उसके सारे सांपों को भी देख लेंगे। और वैसे भी सांपों से हमारा बहुत पुराना बैर है, हमारे पिताजी की जान भी एक सांप ने ही ली। अगर हमारा बस चले ना तो इस दुनिया में जितने भी सांप है ना, उन सबको आग लगा कर। शाखा, विशाखा इतनी रात में वहां क्या कर रही थी? पता नहीं सर। वैसे सर परिमल जी कैसे हैं अभी? ठीक है। हैरत की बात यह है कि उस सांप का जहर उनके शरीर में नहीं, बच गए वो। सर सांप पकड़ा गया, उसी बगीचे में था। वेरी गुड, एक काम करो विशाखा को ढूंढ के आ लो। जी सर। मैं आता। सक्षम, तुम इस सांप को पहचानते हो? ये तो नागराज है। इसके मुख पर ये आपको निशान दिख रहे हैं? इसी से इसे पहचाना जा सकता है। शांत 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 शांत। ये कहां मिला आपको? जिस आदमी ने तुम्हारे खिलाफ गवाही दी, वो ब्रोकर परिमल पारिक, इसने काटा उसे। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि बच गया। वो तो बचना ही था। नागराज कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसके जहर की पोटली निकाल दी गई है,
ये कभी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाए। ये बात और कौन जानता है? मेरी दोस्त विशाखा, ये उसी के यहां तो मिला था मुझे। उसके बागीचे में बहुत सारे सांप आते हैं। सर, कल रात को जो हुआ उस बारे में सुना आपने? सक्षम के सांप ने उस परिमल पर हमला किया। इसी विषय में विशाखा से पूछता छोड़ी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड। मेरे को तो वो छोकरी पहले से ही अजीब लगती थी, लाइक अ फीमेल स्नेक। सेंस मेन्यूज इन द मेल। कितनी बार कहूं आपसे, मैं वहां बस परिमल जी को सक्षम को फंसाने से बचाने के लिए गई थी। मेरा उस सांप से कोई लेना देना नहीं है। तो साहब अपने आप आ गया वहां पे। हाँ देखो विशाखा, मैं अच्छे से जानता हूं तुम कुछ छिपा रही हो। बोलो, नहीं तो कल अदालत में उस सांप के हमले का इल्जाम भी सक्षम पर आएगा और उसका केस ऐसा। हाँ, मैंने ये सब किया है। उस सांप को सक्षम नहीं, मैं कंट्रोल करती हूँ। मैं क्या हुआ सर? ऐसे चौंकें क्यों? नहीं कुछ नहीं, मुझे लगा कि शायद इसका प्रभाव हो रहा है मेरे मन में। मिली, ये मेन्यू आया है तो यहीं से आज खाना मंगवा लो। क्या खाना है तेरे? डॉक्टर साहब को बोलो मैं अधीरा को लेके पहुंच रहा हूं। कम 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 कम, लेट्स गो लेट्स गो। हेलो डॉक्टर। अच्छा, तुम सांपों को कंट्रोल करती हो? कैसे? उनसे मन ही मन बातें करके। वो मेरी और मैं उनकी सारी बातें समझ सकती हूं। क्या बकवास है ये? कोई सांप मन ही मन किसी इंसान से कैसे बात कर सकता है? मैं कोई आम इंसान नहीं। क्या हो फिर? मैं एक विष कन्या। क्या? अच्छा हुआ तुमने नागिन नहीं बोला, नहीं तो मुझे ना बीन बजानी पड़ जाती। जानती थी कि आप मेरी बातों का यकीन नहीं करेंगे, पर यही सच है। बचपन से सांपों के बीच पली हो, उनका जहर मेरी रगों में दौड़ता है। कहानी बहुत अच्छी सुनाती हूँ, लेकिन किसी और को सुनाना। ये कहानी नहीं, सच है, जो अदालत में पूरी दुनिया सुनेगी। हाँ डॉक्टर साहब, जी जी, थैंक यू। अदीरा ठीक है अभी। थैंक यू गॉड। डॉक्टर साहब अदीरा से कहना कि कल अदालत जाने से पहले उससे मिलने आऊंगा। जी धन्यवाद। मैं ये सोच रहा था कि वो सांप जो है वो तो सक्षम का था, फिर यहां आकर उसने मुझ पर हमला कैसे किया? क्यों किया? इवन आई डोंट अंडरस्टैंड। वो परिमल सक्षम का तो दुश्मन था, पर तुम तो सक्षम का केस लड़ रहे हो, तो वो सांप तुम्हारे पर हमला क्यों करेगा? नहीं नहीं, प्रश्न ये नहीं है कि मुझ पर हमला किया उसने, प्रश्न इतना ही है कि हमला किया मतलब। सांप जो होते हैं उन्हें जब तक उकसाया ना जाए, डराया ना जाए, वो किसी पर हमला नहीं करते, और ये सांप मेरे कार्यालय तक आकर मुझ पर हमला कर रहा है। इसका अर्थ ये होता है कि कोई तो है उस सांप के पीछे जो उससे ये सब करवा रहा है।
हंसी बिली, अब कुछ कुछ मेरी समझ में आ रहा है कि वो सांप यहां तक कैसे पहुंचा। उस सांप का है माई बाप। तुम विषकन्या हो? जी मैं विषकन्या। मैंने ही सांपों से कहकर सक्षम के दुश्मनों से बदला लिया क्योंकि मैं सक्षम से प्यार करती हूँ। आप जिससे प्यार करती हैं मैं उसका बचाव कर रहा हूँ, मैं तो उसका दुश्मन नहीं, तो फिर आपने मुझ पर हमला क्यों करवाया? ये क्या बोलेगी मिस्टर पाठक, इसने तो हम सबकी बोलती बंद कर दी है भाई। विषकन्या मिलोर्ड ये सब नाटक कर रही है सक्षम को बचाने के लिए, सारे इल्जाम अपने सिर पर ले रही है ये। विशाखा ये सब कुछ तुम क्यों कर रही हो? क्यों? मुझे बचाने के लिए? बोलो विशाखा बोलो। मैं किसी को बचाने की कोशिश नहीं कर रही, मैं सच बोल रही। योर ऑनर ये सारे हमले विशाखा ने नहीं बल्कि सक्षम ने करवाए हैं, ऑब्वियस है। लेकिन सक्षम के जेल में होते हुए वो सांप हमला कैसे कर सकता है? आई डोंट नो सर, लेकिन इसके अलावा और कौन हो सकता है? यही तो वो एक आदमी है जो मैंने आप लोग हिलिए मत, जहां है वहीं रहिए, नहीं तो सांप आक्रमण कर देंगे। हाँ विषकन्या जी, आपने हमसे कहा कि ये जो सांप हैं ये आपकी बात मानते हैं, आप बात कर सकती हैं उनके साथ, जो आप कहेंगी वैसा वो करेंगे इत्यादि इत्यादि। तो प्लीज़ मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि ये सांप जो है इनसे कहिए कि यहाँ से चले जाएं, ये अदालत है, यहाँ उनका क्या काम। बोलिए विशाखा जी, चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। आपकी बात नहीं मान रहे, कोई नहीं जा रहा। चली जाओ यहाँ से। नहीं सुन रहे आपकी बात। मैं विषकन्या नहीं हूँ। मैंने सक्षम को बचाने के लिए झूठ बोला लेकिन इन्हें मैंने यहाँ नहीं बुलाया। प्लीज ले जाइए ना, प्लीज। जाओ जाओ यहां से, जाओ जाओ। जाओ जाओ। केड़ी साहब ये मेरे सांप नहीं है, ये मेरा कहना नहीं मान रहे। लेकिन ये सांप अगर तुम्हारे नहीं है, विशाखा के नहीं है, तो फिर किसके? योर ऑनर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जनता सांप है, यहाँ झुंड में आए हैं अदालत में अपनी छवि सुधारने। मतलब योर ऑनर ऐसा मुझे लग रहा है कि ये जानते हैं कि असल अपराधी कौन है और स्वयं बताना चाहते हैं। जाइए आप सब जाइए और असली अपराधी को धर लीजिए, जाइए। इनको ये मुझे काट लेंगे, मुझे बचाइए। अरे सांप, अरे बोलिए जल्दी नहीं तो काट लेंगे आपको, बड़े जहरीले हैं। हाँ हाँ, जो कुछ भी हुआ वो सब मैंने किया। इनको पकड़िए, इन सांपों को रोकिए। अरे
अरे जुर्म कबूल कर लिया, ले जाइए सांप को, ले जाइए। पांच साल पहले इसी सक्षम के बचाए हुए एक जहरीले सांप के काटने की वजह से मेरे पिताजी की मौत हुई थी। मेरे पिताजी की मौत का जिम्मेदार वो सांप नहीं, ये सक्षम है। अगर इसने उस सांप को नहीं बचाया होता तो आज मेरे पिताजी जिंदा होते। मैंने उसी दिन ठान लिया था कि इस आदमी से अपने पिताजी की मौत का बदला जरूर लूंगा और इसी के सांपों के जरिए इसे फंसाऊंगा। मैंने इससे दोस्ती कर ली और इसकी आस्तीन का सांप बन गया। एक सपेरे की मदद से मैंने सोना सिंह के घर में सांप डलवाया था। मिस्टर पाठक, लेकिन इतने सारे सांप, ये क्या था? मैं समझा देता हूँ आप। अरे इंस्पेक्टर साहब, जरा परिमल साहब का झोला तो देना मुझे। आइए। धन्यवाद। तो गुलाब की सुगंध है, गुलाब जल है क्या इसमें? गुलाब जल की खुशबू ही रनर, लेकिन गुलाब जल नहीं, इसमें स्नेक फेरोमोन लगा हुआ है जो कि सांपों की खाल से निकला हुआ एस्ट्रोजन युक्त एक रसायन होता है। यरनर, इस खुशबू की ओर पहले सांप आकर्षित होते हैं और फिर आक्रमित होते हैं। ये फेरोमोन परिमल के बैग में आपने डाला था? जी यरनर, अदालत में आते समय। अरे मैं भूल गया, सॉरी सॉरी। तत्पश्चात मैंने स्नेक सोसाइटी ऑफ इंडिया से सहायता लेकर ये सारे सांप यहाँ छुड़वाए जो कि विषहीन है, यरोन, नॉन पॉइजनस। और वो सारे सांप इस फेरोमोन का पीछा करते करते इन तक पहुंच गए। तो मिस्टर सोना सिंह का खून भी? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप प्रोसिक्यूटर साहब। यरोन, मिस्टर सोना सिंह की हत्या भी इन्होंने ऐसे ही करवाई। पहले सक्षम से उसका अजगर चुराया और फिर सोना सिंह के आसपास फेरोमोन छिड़क अजगर को वहां छोड़ दिया। चल चल चल, निकल 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 निकल, ताकि वो अजगर आकर्षित हो जाए, तत्पश्चात आक्रमण कर बैठे सोना सिंह पर। ऐसी ही घटना मेरे साथ भी घटी यरोन। इन्होंने कहीं से सांप चुरा कर मुझ पर मेरे कार्यालय में भी ऐसा ही आक्रमण करवाया। और केवल इतना ही नहीं, परिमल साहब, आपने स्वयं को एक नॉन पॉइजनस स्नेक से कटवाया ताकि हमारा संदेह आप पर ना जाए। जी, ये सच है, लेकिन आप मुझ तक पहुंचे कैसे? एडिक्शन, रेस्टोरेंट का वो मेन्यू स्मरण हो रहा है आपको, जिस पर आपने फेरोमोन छिड़क कर लिफाफे में डालकर हमें भेजा। थैंक्स फॉर एडिक्शन। ताकि लिफाफा खोलते ही हम जब मेन्यू हाथ में ले तो फेरोमोन की सुगंध हमारे उंगलियों पर आ जाए। तत्पश्चात आपने सांप छोड़ दिया और सांप उंगलियों पर लगे सुगंध को खोजता खोजता हम तक आकर आक्रमिक हो गया, है ना? और इतना ही नहीं, एडिक्शन रेस्टोरेंट के मालिक से मैंने संपर्क किया
तो उन्होंने ये बताया कि उनका कोई मित्र है जो बहुत सारे मेन्यू लेकर अपने मित्रों में बांटना चाहता है। मित्र का नाम परिमल पारेख। किंतु आपने झूठ बोला था, आपने अपने मित्रों में नहीं अपने दुश्मनों में बांटा वो मेन्यू। क्या हो गया, आगे कुछ बोल नहीं रहे हैं आप? सांप सूंघ गया क्या? योर ऑनर द डिफेंस रेस्ट। ये अदालत परिमल पारेख को मिस्टर सोना सिंह के कत्ल के जुर्म में और मिस्टर केडी पाठक पर जहरीले सांप से हमला करवाने के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और मिस्टर सक्षम को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। द केस इज क्लोज्ड। प्रजापति साहब, बहुत अच्छा लगा। पहले भी आपके विरुद्ध केस लड़ा हूं, अब ये दूसरे अध्याय में, पता नहीं तीसरे अध्याय में लड़ना संभव हो गया। अरे ऑब्वियस है। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।